तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मेरे भाई अब से नेवी डबल और SSR का एग्ज़ाम है, तो हम लोग विशाखापट्टनम जा रहे हैं। वैसे 6 तारीख है और मैं पहले ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। अभी बहुत सारा सामान भी कैरी करना है। तो मिलते हैं कल डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में। हम आधा घंटा पहले ही डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे। तो गाइस, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़ का, और अभी रात का टाइम हो रहा है, 3:35, और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में हमें यहीं आने वाली है ट्रेन। और ये साइन आपको बताएगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 था, तो 2 लिखा हुआ है यहाँ। ये जो DGG लिखा है या स्टेशन के नाम को बताता है कि आप कौन से स्टेशन में खड़े हुए हैं। जब ट्रेन स्टेशन पहुंचने वाली होगी तो इस बोर्ड में बोगी या कोच का नाम शो करेगा, और आप जिस ट्रेन में जाने वाले होते हैं ये उस ट्रेन का नंबर को दर्शाता है। ट्रेन 3:52 में पहुंची और रात का समय होने के कारण बहुत ही कम समय तक रुकी। तो गाइस, हम लोग अभी स्लीपर में घुस गए, क्योंकि हम लोग आगे चले गए थे और D2 हमारे पीछे था। और ठीक है, बाय। हमारा कोच D2 था, तो हमने राजनगर में अपना कोच चेंज कर लिया। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो इस प्रकार का ई-टिकट आपके ईमेल में भेज दिया जाता है। आप ट्रेन में सफ़र के दौरान क्या क्या खाने का सामान रख सकते हैं और कौन कौन सी सुरक्षा और सावधानियां बरत सकते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब दुर्ग से दिल्ली गया था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। हम 13 घंटा सफर करने के बाद अभी विशाखापट्टनम पहुंचे हैं, और विशाखापट्टनम को YJK नाम से भी जाना जाता है। और तो गाइस, वैसे बता दूं कि आते टाइम मौसम काफी चेंज हुआ है, कहीं बारिश ज्यादा देखने को मिला तो कहीं ज्यादा गर्मी। मुझे छत्तीसगढ़ में बता दूं कि गर्मी तो है ही वहाँ छत्तीसगढ़ में, बट उड़ीसा आ रहे थे, उड़ीसा से होते हुए तो काफ़ी गर्मी लगी वहाँ उड़ीसा में। और फिर जस्ट यहाँ पहुँचे अपन विशाखापट्टनम YJK, तो बारिश वगैरह हो रही थी यहाँ काफ़ी, और फिर मौसम काफ़ी चेंजेस देखने को मिला यहाँ मौसम। और अभी करंट टेम्परेचर यहाँ का है 29°C है। गाइस, हमें ट्रेन में 2 बंदे भिलाई से मिले, जो उन लोग भी डबल और SSR का एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो भाई, आप लोग का नाम क्या है? भाई का नाम ऋषिकेश है, और आपका? मोहित भगत नाम है। तो आप लोग एग्जाम देने आए हो ना? हाँ, ठीक है, इन लोग भी आए, तो बस अरे तो मेरे साथ ही आया था। ठीक है फिर। तो भाई साहब, अभी अपने होस्ट के यहाँ जा रहे हैं, और रेलवे स्टेशन से करीब हमको पैदल लगभग 150 या 200 मीटर पैदल अभी जाना पड़ेगा बस स्टैंड।